प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में अब तक 76.24% मतदान हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक है। पिछले दो चुनावों की तुलना में इस बार सबसे अधिक वोटिंग हुई है। 2013 में 72%, तो वहीं 2018 में 74% मतदान हुआ था और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 76% से ऊपर चला गया है। अब राजनीतिक पंडित इस 2% वोटिंग की बढ़ोत्तरी के कई मायने निकाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जब भी विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होती है तो इसे सत्ताधारी दल के फेवर में माना जाता है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक धनंजय प्रताप सिंह बताते हैं कि हर रीजन से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लाडली बहना योजना ने भी ग्राउंड पर काम किया है, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। हालांकि सही रिजल्ट के लिए सभी को 3 दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अभी तक के वोटिंग बाद आए रुझान बता रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी का अपर हैंड तो हुआ है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो मध्य प्रदेश में संपन्न हुए चुनाव के बाद दोनों प्रमुख पार्टियों में बराबरी का मुकाबला बना हुआ है। सट्टा बाजार के सटोरियों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 110 से 112 सीट व कांग्रेस को 114 से 116 सीट आने की संभावना है। पूर्व में बीजेपी को इससे कम सीटें मिलना बताया गया था, जबकि कांग्रेस के मात्र 20% ही हैं। सट्टा बाजार के अनुमान के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचनी शुरू हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।